Dear student, here we will learn the characteristics function of multivariate normal distribution. What is the difference between the moment generating function and the characteristics function of multivariate? Kab use karte moment generating use connect characteristics function. So the characteristics function is a function which completely determine a probability density function. But the moment generating function

थोड़ी सी मैथमेटिक्स मोमेंट जनरेटिंग की जो है वो हैवी हो जाती है हम उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकेंगे इसलिए हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन यूज करते हैं सो बाय डेफिनेशन ऑफ करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रेंडम वैक्टर इज डिफाइंड एज दिस दिस इज दई ऑफ ए टी करैक्टरिस्टिक फंक्शन और ये आपके पास है बेसिकली दूटेशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फंक्शन

वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक सिग्मा एंड वाई डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टैंडर्ड मल्टी नॉर्मल विथ मीन जीरो एंड वेरियंस आइडेंटिटी एज वी लर्न बिफोर सो दिस इज द प्रॉबलिटी डेंसिटी फंक्शन टू पाई माइनस पी बायू एक्सपोनशियल ऑफ माइनस वन बाई टू यह आपके पास किस चीज का पीडीएफ है या आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है है फर्दर इसको आपके पास मल्टीप्लाई हो गया म्यू के साथ देन हमने ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया अब यू नो दैट दिस इज दर्म तो कॉन्स्टेंट आर्म हमने एक्सपेक्टेशन से बाहर ले ली बिकॉज दी कांस्टेंट के एक्सपेक्टेशन पे हम अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट इट्स उसकी वैल्यू होती है नाउ दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन सो फर्दर हमने क्या किया है जी ये वैल्यू हमारे पास इसको तो हमें कॉन्स्टेंट एज इट इज होगा इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी बेसिकली हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर वन अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी प्राइम टी वाई यही है ना आपके पास इसी की हमने फर्दर वैल्यू पुट करनी ये देखो आपके पास टी है अब हम इसको क्योंकि यहाँ पे हमने लेट किया ट्रांसफॉर्म किया है सी प्राइम टी में तो साय सी प्राइम टी के इक्वल है विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वन ठीक है ना यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया एक्सपेक्टेशन हमने ओपन किया है तो एक्सपेक्टेशन ओपन के साथ यूनिट और उसकी प्रॉबिलिटी फर्दर एफ ऑफ वाई डी वाई एफ ओ वाई डी वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल हमने यूज किया उसका पीडीएफ और स्टैंडर्ड नॉर्मल का हमने यहाँ पे पीडीएफ यूज किया देन आपको पता है ये टर्म हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है उसको ये टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट है उसको हमने इंटीग्रल से बाहर लिया है so, पास क्या एक्सपोनशियल टू एक्सपोनशियल मल्टीप्लाई हो रही है तो टू एक्सपोनेंशियल जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने उसको एडिशन फॉर्म में ले लेना तो ये वाली वैल्यू आपके पास फर्स्ट फैक्टर इसको हमने फर्स्ट में लिया देन पे क्या हो जाएगा यहाँ पे वन बाई टू है और यहाँ पे टू नहीं है तो ट्वाइस टाइम ऑफ दिस नाउ नेक्स्ट हमने इसमें ये फैक्टर एड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस एक्सपोनेंशियल के अंदर तो एक्सपोनेंशियल में हमने ये वाला पोर्शन एड एंड सब्ट किया क्या ऐड किया है सी प्राइम टी प्राइम सी प्राइम टी आयोटा एड एंड हो गया अब दिस इज द नेगेटिव टर्म दिस इज पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म को अब हम पहले ले आए हैं ये आपके पास ये वैल्यू इसके साथ ये है फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा टू पाए पी बाय टू एज इट इज इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल अब ये एक्सपोनेंशियल में आप ये देखो ये वाली टर्म मैंने फर्स्ट लिए अब आपके पास आयोटा 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 स्क्वेर और रिमेनिंग फंक्शन हमारे पास एज इट इज यहाँ पे क्या था माइनस वन बाई टू माइनस माइनस प्लस में आ गया देन वन बाय टू एज इट इज तो हमने ये वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियल में लिख लिया बेसिकली एक्सपोनेंशियल को ब्रेक किया ना हमने और रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमारे पास एक और एक्सपोनेंशियल का पार्ट हो गया जस्ट हमने अब इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल का पार्ट और ये भी आपके पास है फर्दर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ माइनस क्योंकि सम की फॉर्म में है तो आपने इसको फर्दर आयोटा तो एज इट इज यहां पे हम इसको क्या लिख रहे हैं टी आई सी आई वाई आई और सेकेंड पार्ट आपके पास देखें ये है आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्र हो गया सी प्राइम सी प्राइम सी स्क्वेयर टी 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 स्क् लास्ट वाली टर्म को हमने ऐसे लिखा है आयोटा टी आई सी आई होल स्क् न फर्दर सिंप्लीफिकेशन टू पाई माइनस पी बाय टू एक्सपोनशियल आयोटा स्क्वेयर दिस वैल्यू अब आपके पास पी टाइम्स इंटीग्रल थे तो पी टाइम्स इंटीग्रल ये प्रोडक्ट टर्म्स है तो हमने उसको वन टाइम कर लिया है ट infinity infinity, so, को हमने ओपन कर लिया है ठीक है यहां पर हमने इसको फर्दर आपके पास ये क्या वाली टर्म बन रही है ये होल स्क्र बन गया Iota, C, है वाई आई माइनस आयोटा सी टी का होल स्क्र है सी आई टी आई का होल स्केयर ना हो Both, हमने इसको लेट कर लिया है दिस इज इक्वल टू जी आई दिसवल डी डब्ल्यू वाई विच इज इक्वल टू डी जी आई ना यहाँ पे आपके पास डी वाई आई है उसकी जगह हमारे पास डी जी आई होगा इस फैक्टर को हमने लाइट किया है जी आई के लिए सो so, पाए टू पाए

By ये ये हमने एंटर कर लिया तो दू पाई लिमिट इसकी इक्वल टू पाए माइनस पी सिग्मा फर्दर हम इसको सिग्मा के इक्वल लेंगे दिस इज इक्वल टू ये आपके पास 2 pi 2, है टू पाई की पावर वन बाय टू कितने टाइम्स आ रही है पी टाइम्स ठीक है दिस इज प्रोडक्ट पी टाइम्स आ रही है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं टू पाई रेस टू पावर पी बाय बायू दिस इज दॉ पी बाय टू एंड दिस इज पी बाय टू तो ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट आ गया और ये आपको पता है ये से से हम पीछे से? हमने ब्रेक की हुई है और हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सो दिस इज ए करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स अब ये आपके, आपके पास थी ये वैल्यू ये आपके पास थी इक्वेशन वन में अब हमने फर्दर ये वैल्यू Enter, इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन वन में एंटर करनी है इक्वेशन वन में हमने एंटर कर दी है इन टू दिसम विच सिग्मा और ये आपके पास अब ये क्या बन गया फंक्शन ऑफ एक्स करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या हुआ एक्सपोनशियल दिस इज द आयोटा टी प्राइम म्यू एंड दिस इज द टी प्राइम सिग्मा टी ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन आ गया है और आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू वन यहाँ पे आप देखो कि आयोटा स्केयर रिमूव हो गया आयोटा स्केयर की वैल्यू वन के इक्वल है ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप हो गया